हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके टेकफिन के और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपको अभी एक नया स्मार्टफोन खरीदना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर होगा आपके बजट रेंज में? तो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री मेजर थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग ए स्मार्टफोन। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो देखते रहिए, कभी ना कभी तो अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वो बेल आइकन क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू वाचिंग टेकफिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो बहुत सारी चीजों को रखिए साइड में, सिर्फ तीन चीजों को ध्यान में रखकर आप बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं अपने लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं फोन का प्रोसेसर। दोस्तों, प्रोसेसर फोन का दिमाग होता है, जिसके वजह से आपका फोन का सारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर तो अच्छा लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, तो आपको कैसा प्रोसेसर लेना चाहिए? तो दोस्तों, वो आपकी यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक बेसिक वाला स्मार्टफोन चाहिए, सिर्फ कॉल जाएगा, छोटा मोटा एप्लीकेशन भी रहेगा, तो दोस्तों आपको लो एंड वाला प्रोसेसर लेना ठीक ठाक ही होगा। अगर आपको छोटा मोटा गेमिंग भी करना है स्मार्टफोन में, कुछ वीडियोज वगैरह देखना है, एडिटिंग वगैरह करना है, तो दोस्तों आपके लिए मिड रेंज का प्रोसेसर बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको हाई ग्राफिक्स वाला गेम खेलना है, ज्यादा अच्छा एडिटिंग भी करना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना है स्मार्टफोन में, तो दोस्तों उसके लिए हाई प्रोसेसर भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेसर की कंपनी कौन सी होता है? देखिए, आपको पता ही होगा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है, मीडियाटेक हीलियो का प्रोसेसर आता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर आता है, हीलियो उसका सब पार्ट है, और दोस्तों एक्सिनोस का ही प्रोसेसर आता है, सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हुई के स्मार्टफोन खरीदने चाहे तो वहां पे आपको किरिन के प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो इन सब में से जो अच्छा अच्छा प्रोसेसर है उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बॉटम से टॉप तक मैं नहीं बता सकता इस वीडियो में, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको प्रोसेसर को लेकर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके लिए जरूरी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, जो हाई एंड डिवाइस है उसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का हो गया 765G, 855G, 865 के 5G, ये सारे हाई स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जहां पे आप ज्यादा अच्छे तरह से हाई ग्राफिक्स वाला गेम को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, मीडियाटेक हीलियो का P90 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, और साथ ही साथ एक्सिनोस का 990 और किरिन का 980 भी बहुत ही अच्छा हाई डिवाइस के लिए प्रोसेसर है। दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हो गया सारा प्रोसेसर के बारे में बात। अभी जो दूसरे पोजीशन में है वो है दोस्तों फोन के रैम। रैम का टाइप भी इंपॉर्टेंट है, रैम के साइज भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो रैम के टाइप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जनरेशन के हिसाब से ये चेंज होते होते जा रहे हैं। सबसे पहले आया था LPDDR1, उसके बाद आया LPDDR2, उसके बाद LPDDR3, LPDDR4, LPDDR4X, अभी LPDDR5 भी आ चुका है, जो कि बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों, जनरेशन जब भी चेंज होते होते जा रहा है, सभी लेटेस्ट चीज़ें आ रहे हैं, LPDDR4 से LPDDR5 ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देता है, और LPDDR3 से LPDDR4 उससे ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देता है। तो दोस्तों, इस हिसाब से रेस्पॉन्स रेट भी ज़्यादा हो रहा है और पावर कंजप्शन भी लो हो रहा है, जिस तरह से जनरेशन आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए तो उसमें मिनिमम आपको एक LPDDR4 रैम तो चाहिए ही, 4X हुआ तब बेहतर, 5 हुआ तो उससे भी बेहतर। तो दोस्तों, ये हो गया रैम टाइप के बारे में बात। रैम साइज, आपको कितने साइज का रैम चाहिए? दोस्तों, पहले स्मार्टफोन में आता था 5.2 MB का रैम, 1 GB का रैम, लेकिन अभी दोस्तों बेस हो गया 2 GB का, यहाँ तक कि 12 GB, 16 GB तक का भी रैम आने लगा है स्मार्टफोन में। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बेसिक एक स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पे आप कॉल करेंगे, छोटा मोटा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 2 GB से 3 GB मोर देन सफिशियंट। तो दोस्तों, अगर आपको छोटा मोटा गेमिंग भी करना है तो उसके लिए आपको 4 GB मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 6 GB इज एनफ। दोस्तों, अगर आपको हाई एंड गेमिंग वगैरह खेलना है, हाई ग्राफिक्स वाला पबजी वगैरह खेलना है, तो दोस्तों आपके लिए मैक्सिमम 8 GB रैम इज सफिशियंट। तो दोस्तों, उससे ऊपर का रैम क्यों दिया गया है मुझे पता नहीं, शायद फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी 5-6 साल पहले आप चले जाएंगे तो 2 GB रैम इज एनफ, तो अभी शायद हमारे लिए 8 GB रैम एनफ है, शायद फ्यूचर में हमें 16 GB रैम भी कम पड़ जाए। तो दोस्तों, अभी प्रोसेसर और रैम के बाद आता है बारी डिस्प्ले की।
दोस्तों अगर प्रोसेसर अपना काम अच्छे से कर लिया, रैम अपना काम अच्छे से कर लिया, तो उसे आप विजुअलाइज कैसे करेंगे, किससे आपको पता चलेगा कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं? ऑब्वियसली डिस्प्ले की मदद से। तो डिस्प्ले तो अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों डिस्प्ले में आता है LCD डिस्प्ले और AMOLED डिस्प्ले। AMOLED डिस्प्ले ज्यादा तो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन आपके बजट में अगर AMOLED आता है तो आप AMOLED ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस और थोड़ा कलर बहुत ही अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू LCD। अगर बजट में नहीं आता है तो LCD भी नॉट बैड दोस्तों। तो दोस्तों लेकिन आपको माइंड में रखना है कि आपको FHD वाला डिस्प्ले ही लेना है। HD का जमाना तो गया दोस्तों, अभी मिनिमम आपको एक फुल HD रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले तो चाहिए। उसके बाद आता है फोन के रिफ्रेश रेट। फोन का दोस्तों जो रिफ्रेश रेट होता है वो 60Hz का होता है, 90Hz का होता है, 110Hz, 120Hz, 140Hz ऐसे करके होता है। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना ज्यादा ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा आपके डिस्प्ले में। तो दोस्तों आपका बजट रेंज में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन ही खरीदिए। तो दोस्तों ये हो गया सब डिस्प्ले के बारे में बात। यही तीनों चीजों की मदद से आप एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। देखिए मैंने कैमरे के बारे में क्यों बात नहीं किया, क्योंकि दोस्तों कैमरा एक सेपरेट सा चीज होता है। सिर्फ कैमरा के एप्लीकेशन के अंदर ही आप कैमरा को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो डिस्प्ले है, आपका जो रैम है, हर वक्त आपके यूज में आएगा। फोन आप ऑन करेंगे तो वो तीनों चीज यूज होंगी। तो दोस्तों ये तीनों चीज तो मिनिमम अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यही सब था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो वीडियो देखते रहिए, आपको एक ना एक दिन तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये रेट करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके और कुछ क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।